मुझे मात की गोद में सोने दे। मैं दिल से गाता हूँ और मेरी समझ जो है वो मेरी आत्मा से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं वैसे गा लेता हूँ। मेरी जैसी ज़िंदगी कोई जीता नहीं होगा, मैंने इतनी अच्छी ज़िंदगी जीता हूँ। मैं आई एम सच अ हैप्पी सोल, आई एम सच अ हैप्पी पर्सन। एनी थ्री सॉन्ग्स विदाउट विच सोनू निगम इज इनकम्प्लीट। अभी मुझ में कहीं कल होना हो संदेश से आते हैं। ऑलराइट सर, व्हिच हैज बीन द टफेस्ट सॉन्ग फॉर यू टू सिंग? ऐसे जो गाने कोई आया नहीं है जो मुझे बहुत तकलीफ हुई हो। हाँ, कभी कभी म्यूजिक कंपोजर्स खुद तकलीफ में आ जाते हैं क्योंकि समझ नहीं आता कि कुछ चाहिए क्या, ऐसे कभी कभी होता है। बट अदरवाइज देर हैजन बीन एनी सॉन्ग एज सच। कोई बहुत ऊंचा गाना होगा जैसे संदेश आते में मैंने गाया था एक बारी सतरंगी दे गाने में, मुझे मात की गोद में सोने दे, ये मुझे उससे में थोड़ा तकलीफ होती क्योंकि मैं काफ़ी लंबा देर से गा रहा था और रात का बहुत टाइम था। रहमान भी रात को काम करते हैं। किल दिल का टाइटल ट्रैक भी था वो गाना क्या कंपोज किया है शंकर प्रसाद लॉय ने, और आई लव दैट सिंगिंग, लव सिंगिंग दैट सॉन्ग ऑन स्टेज। राइट, शंकर एहसान लॉयज म्यूजिक। सर, व्हिच इज अ सॉन्ग दैट पीपल रिक्वेस्ट द मोस्ट व्हेन वर यू हैव अ कॉन्सर्ट? कभी कभी लोग कल होना चलाते हैं, कभी अभी मुझ में कहीं, कभी दीवाना तेरे चलाते हैं, कभी सुरजो मध्यम चलाते हैं, कभी संदेश आते चलाते हैं, कभी ये दिल दीवाना चलाते हैं, इतने साथियाँ चलाते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ सॉन्ग्स दैट आई एम नोन फॉर, एंड बिजुरिया की बहुत फरमाइश करता हूँ, बिजुरिया के पीछे लोग बहुत पागल हैं। There are a lot of people who are talking about कल होना हो in today's context. ये भी गाना आया था उस समय मैं खुद भी एक अंदर ट्रांसफॉर्मेशन सी महसूस कर रहा था। इंसान जिस माइंड स्पेस में होता है ना, उसको वैसी ही चीज़ें मैनिफेस्ट उसके साथ में होती हैं। मसलन अगर कोई अंदर से बड़ा फैनाटिक है, कोई बोलता है मैं बड़ा, बहुत बड़ा हिंदू हूँ, मैं बड़ा मुसलमान हूँ, मैं ये हूँ, तो वो अपने आसपास में फैनाटिसिज्म को ही इवोक करता है। उसके पास में लोग भी ऐसे आते हैं, उसके पास में बातें ऐसी आती हैं, उसके पास न्यूज़ ऐसी आती है। तो अगर मैं बहुत डरपोक हूँ, अरे नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना, तो मेरे आसपास ऐसी सिचुएशन आएगी जो मुझे और डराएंगी। तो जब मैं कल होना हो गाना आया था उस समय मैं एक अवेकनिंग से गुजर रहा था कि ये क्या है दुनिया। मेरा पहली बार मैं बच्चे से बड़ा हो रहा था अंदर से उस समय, कि ये तो क्या है, ये माया है, सब इस तरह की मैं बातें सोच रहा था। और कहीं मैं कल मर गया तो क्या होगा, फिर ये ज़िंदगी क्या थी, मैं कौन हूँ, मेरे माँ बाप ये क्यों हैं, और हम ऐसे कैसे हैं दुनिया, मैं सब क्वेश्चंस करता था उस समय, तब ये गाना आया था। तो मेरे ख्याल से ये गाने का मेरी ज़िंदगी में के जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसका ये प्रतीक है गाना। और आज ये गाना कितना और सच है तो आपने खुद ही कह दिया। ओके सर, व्हाट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट यू हैव एवर रिसीव्ड फॉर योर एक्टिंग एंड फ्रॉम होम? मैंने अगर काम अच्छा किसी फिल्म में किया है तो वो जिस जो लोगों ने कहा है वो है सिर्फ लव इन नेपाल, क्योंकि उसके अलावा जानी दुश्मन तो मजाक था, लिटरली फिल्म तो थी नहीं, वो मजाक था। काश आप हमारे होते कभी फिल्म लोगों ने देखी नहीं, लव इन नेपाल भी लोगों ने नहीं देखी, लेकिन मैंने अभी हाल ही में मेरे बेटे को दिखाई फिल्म, हम लोग देख रहे थे, मेरा बेटा हंस हंस के पागल हो गया, एंड ही वॉज लाइक, वो फिल्म अच्छी थी मेरी। और अभी एक शॉर्ट फिल्म आई थी उसमें मैंने एक्टिंग की थी और उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का एक फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मुझे मिला था। मुझे ये अच्छी तरह यकीन है कि अगर मैं परस्यू करता तो मैं डिसेंटली कुछ काम कर सकता था मेरे अंदर में, क्योंकि मैंने जो लोग तो फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, मैंने स्टेज पर जो मिमिक्री कर रखी है और जो एक्टिंग कर रखी है, जो कॉमेडी कर रखी है, लोगों ने उसे कितना पसंद किया है, मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। जो जो मैंने एक में जब मैं शंकर एहसान लॉय का बचपन बना, शंकर का बचपन बना था, शंकर की मम्मी बना था, फिर शंकर खुद बना था, फिर रहमान का बचपन, रहमान की मम्मी, फिर रहमान खुद बना था, मैं अदनान का बचपन, अदनान की मम्मी, अदनान खुद बना, जो इस सब मैंने कर किया था, ये सब इट वॉज, इट हैज़ बीन अप्रिशिएट लाइक हाउ। सो आई थिंक पीपल नो दैट आई, मैंने परस्यू नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि मुझे नहीं लग, मुझे उस समय समझ में आ गया था कि आई डोंट हैव टू प्रूव माई सेल्फ, मुझे प्रूव नहीं करना, मुझे जो मैं जानता हूँ अंदर से मैं जान जाऊँ उतना काफ़ी है, आई डोंट हैव टू प्रूव टू द वर्ल्ड। तो मेरा एग्रेशन तब खत्म हो गया था, मैं जिस एम्बिशियसनेस से आया था बॉम्बे तब तो मेरा खत्म हो गया था, तो इसलिए मैंने एक्टिंग वगैरह को परस्यू नहीं किया। बट आई थिंक माई सन रिसेंटली सॉ लव इन नेपाल, एंड लव इन नेपाल की बहुत तारीफ है। ऑलराइट, इफ योर लाइफ वाज अ सॉन्ग, व्हिच सॉन्ग वुड इट बी? मेरी लाइफ यूनिक है, अभी तक किसी गाने ने उसे अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया। आई लीड अ लाइफ, मेरी जैसी ज़िंदगी कोई जीता नहीं होगा, मैंने इतनी अच्छी ज़िंदगी जीता हूँ। मैं आई एम सच अ हैप्पी सोल, आई एम सच अ हैप्पी पर्सन, इतना हैप्पी कि कोई गाना भी नहीं बना अभी तक ऐसा। ये या वो, आइदर और, इफ यू हैव टू चूज वन, कल होना हो या अभी मुझ में कहीं, ये दोनों इक्वली अच्छे हैं, एंड आई नॉट लाइक टू चूज वन फ्रॉम दिस। ओके, गिटार या कीबोर्ड, योर फेवरेट इंस्ट्रूमेंट? कीबोर्ड। सोनू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच फॉर making all the efforts that you are doing in this
coaxing people into practicing social distancing, and your love for the country is simply inspiring and contagious. Thank you very much. Thank you. Bye bye, everybody. Lots of love.